हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज से हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, फ्लैशबैक 2019, जहां पे 2019 के पूरी के पूरे करंट अफेयर्स को हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। अलग अलग पार्ट्स में एमसीक्यू फॉर्मेट में इसको डिस्कस किया जाएगा। तो इसका आज हम जो है पार्ट वन डिस्कस करेंगे। ऐसे कुल 10 पार्ट्स होंगे। तो यहां पे सब जो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, क्रिस्प करंट अफेयर्स, जिसको हम लोग एग्जाम के पॉइंट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो यहां पे बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इलेक्शन कमीशन कौन से दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि मनाया जाता है, जो इलेक्शन कमीशन, भारत के जो निर्वाचन आयोग। तो ये बेसिकली जो है इलेक्शन कमीशन की जो प्रतिष्ठा हुई थी 1950 25 जनवरी को। तो याद रखिएगा, 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन डे मनाया जाता है, और उस दिन जो नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है, जो 2011 से स्टार्ट हुआ था। तो इसका सही आंसर जो है 25 जनवरी। पीएम नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस नेशनल म्यूजियम का अनावरण किया, तो यह कौन से सिटी में किया गया। तो यहां पे जो है जो 26 जनवरी का जो रेड फोर्ट में लाल किले में उन्होंने ये भाषण दिया था अपना, तो यहां पे बोला गया था कि सुभाष चंद्र बोस के जो 122वीं जो जन्म जयंती, वहां पे उनके स्मरण पे ये किया गया था। सुभाष चंद्र बोस जो है उनकी जन्म हुई थी 23 जनवरी 1897 को उनकी जन्म हुई थी। तो इसका सही आंसर जो है दिल्ली। और एक चीज याद रखिएगा, जो 8 बटालियन ऑफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है, एनडीआरएफ, तो उन्होंने जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2019 भी जीता था। तो सुभाष चंद्र बोस नेशनल म्यूजियम दिल्ली। कौन से गवर्नमेंट ने युवा स्वाभिमान योजना लॉन्च किया, तो यहां पे मध्य प्रदेश के जो सीएम है कमलनाथ, उन्होंने ये स्टार्ट किया, जहां पे जो वीकर सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, जो अलग अलग अर्बन अफेयर्स एरियाज में जो मध्य प्रदेश स्टेट के, तो उन लोगों के लिए ये स्टार्ट किया गया है युवा स्वाभिमान योजना। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो ये बेसिकली एक रिविजन के तौर पर जो है वीडियो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है पूरे के पूरे 2019 को, तो हम लोग यहां पर अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। उसके साथ उसके डिटेल्स भी होंगे यहां पे। तो यहां पे भारत के कौन से जो यंगेस्ट, जो कनिष्क पर्वतारोही बन गए हैं, जिन्होंने दुनिया के जितने भी महाद्वीप है उनके जो सबसे ऊंचे जो श्रृंग है, यानी कि जो पीक है और जो वॉल्केनिक समिट है पूरे दुनिया में, वहां पे उसको अचीव कर लिया, वहां पे उन्होंने जीत लिया उनको। तो इसका सही आंसर जो है सत्यरूप सिद्धांत, और ये जो है बेंगलोर से है और इनकी आयु है 36 साल। भारत के सबसे कनिष्ठ जो ग्रैंड मास्टर और दुनिया के जो सेकंड कनिष्ठ ग्रैंड मास्टर, ये कौन बन गए हैं, तो ये जो है डी गोकेश, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी गोकेश। तो ये 13 साल की आयु में जो है भारत के सबसे यंगेस्ट और दुनिया के सेकेंड यंगेस्ट बन गए हैं। तो ये चेन्नई से बिलोंग करता है। अगर पूछा जाए दुनिया के सबसे यंगेस्ट कौन है, तो ये यूक्रेन के सर्जी करजकिन जो है, इन्होंने 2002 में ग्रैंड मास्टर जीता था, जब उनकी आयु 12 साल की थी। और भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथन आनंद, तो उन्होंने 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। और अभी जो दुनिया के नंबर वन चेस खिलाड़ी है, उनका नाम है मैग्नस कार्लसन, जो नॉर्वे से है। तो डी गुकेश यंगेस्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव किनको चुना गया है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दुबई में है, जिसकी स्थापना हुई थी 1909 में, और इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव अभी है मनु साहनी, और इसके जो चेयरपर्सन है शशांक मनोहर। और जो बीसीसीआई के बारे में अगर पूछे, तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में, बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, और बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी है जय शाह। चाइल रामाफोजा, तो ये 2019 का जो रिपब्लिक डे परेड होता है, तो उसका चीफ गेस्ट बन के आए थे जो 26 जनवरी को। तो ये कौन से देश के राष्ट्रपति है,
तो ये जो है काइरी रामाफोसा, ये जो है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति है। और अगर पूछा जाए 2020 के जो रिपब्लिक डे परेड में कौन जो चीफ गेस्ट बन के आएंगे, तो वो ब्राजील के जो राष्ट्रपति है जियर बोल्सोनारो, वो चीफ गेस्ट बन के आएंगे 2020 के। तो ब्राजील के ऑलरेडी राष्ट्रपति जियर बोल्सोनारो, मालदीव के राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोले, और जो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षा। नॉर्थ ईस्ट रीजियन के पहले यूथ एडवोकेट कौन बने हैं जिसको यूनिसेफ ने अपॉइंट किया है, तो ये जो बनी है नाहिद अफरीन, ये नाहिद अफरीन एक सिंगर है, तो यूथ एडवोकेट बनी है नॉर्थ ईस्ट रीजन के। और हिमा दास जो है, ये जो 2018 में उन्होंने जो फिनलैंड में वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप वहां पे स्वर्ण पदक हासिल किया था, हिमा दास। और हिमा दास को रीमा दास के साथ कंफ्यूज मत कीजिए, रीमा दास एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर है विलेज रॉकस्टार्स, जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। और मैरी कॉम एक बॉक्सर है जिन्होंने 5 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और ओलंपिक में बॉक्सिंग में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2019 का एशिया एलपीजी समिट ये कौन से सिटी में आयोजित की गई, तो इसको ज्वाइंटली आयोजित किया गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के द्वारा, तो इसको आयोजित किया गया नई दिल्ली में, तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। रिसेंटली जो यूनियन गवर्नमेंट ने एक अप्रूव, जो एक आयोग का यहां पे अप्रूवल दिया है, ताकि यहां पे जो इंडिया के जो इंडिजिनियस जो कैटल पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट और डेवलप किया जाए, तो उसका नाम क्या है, तो यहां पे जो है कैबिनेट कमेटी जो है उसके चेयरमैन नरेंद्र मोदी के यहां पे ये आयोजित किया गया, ये जो अप्रूवल मिला है, जिसके यहां पे बोला गया है कि इंटरिम बजट में 2019 और 2020 के जो इंटरिम बजट में, तो इसके लिए टोटल 500 करोड़ के रुपए यहां पे अलॉट किए गए थे, तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। कार्नोट प्राइज जो सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन के लिए, इनमें से किनको मिला, तो ये एक्चुअली कार्नोट प्राइज दिया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, तो ये मिला है पीयूष गोयल को। तो इन्होंने क्या किया, ये जो सारे जो उनके प्राइज मिले थे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस को वहां डोनेट कर दिए, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम हरियाणा में, जिसकी स्थापना हुई थी 2015 में पेरिस में। इसरो ने जो नया कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो फ्रेंच गायाना से लॉन्च किया था 6 फरवरी 2019, उसका नाम क्या है, तो ये भारत का 40वां जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगी टेलीकम्युनिकेशन जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो ये लॉन्च किया गया था फ्रेंच गायाना से, तो इसका सही आंसर है GSAT-31, और इसकी कुल जो वजन है वो है 2536 किलोग्राम। नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, तो वहां पे जो है ऑर्गेनाइज किया गया था नो माई इंडिया प्रोग्राम, तो ये कौन से सिटी में आयोजित किया गया, तो यहां पे बेसिकली एक स्पेशल वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जो यूथ है 15 से लेकर 22 साल तक जिनको यहां पे कम्युनल वायलेंस का यहां पे सामना करना पड़ा था, तो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था बेंगलुरु में, तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु। ऑपरेशन मुस्कान, तो ये कौन से मंत्रालय ने इसका स्टार्ट किया, तो यहां पे ऑपरेशन मुस्कान को ऑपरेशन स्माइल भी कहा जाता है, तो यहां पे जो भी यहां पे बच्चे जो है उन लोग खो जाते हैं अलग अलग, उनको रेस्क्यू किया जाता है, उन लोग को रिहेबिलेशन किया जाता है, तो इसका आयोजन इसको स्टार्ट किया था होम मिनिस्ट्री ने। कौन से स्टेट ने बोला है कि वहां पे एक नया आध्यात्मिक विभाग स्टार्ट किया जाएगा, तो यहां पे जो है इसको मध्य प्रदेश सरकार ने इसका बारे में इसके बारे में अनाउंस किया था, तो इसका सही आंसर जो है मध्य प्रदेश आध्यात्मिक विभाग, और जिसको स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। और एक चीज याद रखें कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो इंडिया की पहली स्टेट बनी जहां पे एक हैप्पीनेस डिपार्टमेंट भी है, और ये जो है ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स इसका जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली इंस्पायर है भूटान से और यूएसए के जो इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से, तो आध्यात्मिक विभाग मध्य प्रदेश। कौन से स्टेट को पहला गोट फर्टिलिटी लैब ये मिला है जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का अंतर्गत है यहां पे, तो यहां पे जो है उत्तर प्रदेश, इसका सही आंसर है गोट फर्टिलिटी लैब उत्तर प्रदेश, तो यहां पे जो है इसको दीनदयाल वेटरनरी यूनिवर्सिटी ये जो है इसको सेटअप करेगी, जिसकी कुल लागत जो होगी 22 करोड़, तो फर्स्ट गोट फर्टिलिटी सेंटर उत्तर प्रदेश।
किनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया गया, तो ये जो है सुधीर भार्गव अभी नए अपॉइंट किए गए हैं, इनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, तो सही आंसर है सुधीर भार्गव। और इससे पहले जो थे आर के माथुर, तो आर के माथुर जो है अभी लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के जो पहले वुमेन कमिश्नर थे वो थे दीपक सांधु। कौन से दो कंट्री ने यूनेस्को से ऑफिशियली क्विट कर लिया, तो यहां पे जो है इसराइल और यूएसए, तो इसका सही आंसर है इसराइल और यूएसए, तो उन्होंने यूनेस्को से ऑफिशियली क्विट कर लिया, ताकि जो यहां पे जो पैलेस्टाइन से रिलेटेड जो भी इशू है वहां पे काफी प्रॉब्लम चल रही थी, तो वहां पे यूनेस्को ने पैलेस्टाइन के एक जीवित साइट को यहां पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया था, और पैलेस्टाइन को 2011 में जो परमानेंट मेंबर बना लिया था यूनेस्को का, तो इसीलिए यूएसए और इसराइल ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया और वहां से यूनेस्को से क्विट कर लिया। और यूनेस्को की यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में और इसके जो हेडक्वार्टर है ये है पेरिस में। गाफा टैक्स कौन से कंट्री ने स्टार्ट किया, तो यहां पे गाफा का जो फुल फॉर्म है गूगल एप्पल फेसबुक और अमेजॉन, तो ये जो है सोशल नेटवर्किंग ऑनलाइन साइट्स है, तो ये फर्म जो है पूरी दुनिया में लगभग जो है 750 मिलियन यूरो यहां पे कमाती है। तो यहां पे फ्रांस के गवर्नमेंट ने बोला है कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग के लिए वहां पे 3% तक का यहां पे टैक्स देना पड़ेगा, तो इसका सही आंसर है फ्रांस, गाफा टैक्स फ्रांस। तो कैबिनेट ने जो विजया बैंक और देना बैंक इनकी जो मर्जिंग के बारे में घोषित कर दिया था, तो इनको अभी विजय बैंक और देना बैंक को मर्ज करके कौन से बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, तो इसके बाद भी काफी सारे बैंकिंग के मर्जिंग हुई थी, तो इसको मर्ज कर दिया जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इसका सही आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इसको आप याद रख सकते हैं VDB विजय बैंक देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इसके साथ इसको मर्ज कर दिया गया, तो ये इसको इफेक्टिव किया गया 1 अप्रैल, और जो इसके बाद जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इंडिया की थर्ड हाईएस्ट बैंकिंग सेक्टर है आफ्टर एसबीआई और आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा विजय बैंक और देना बैंक। दुनिया की सबसे जो बड़ी जो कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस है पीएम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो उन्होंने कौन सी यहां पे ऐप लॉन्च किए हैं, तो यहां पे ये हेल्थ इंश्योरेंस कवर है जहां पे भारत के जो 10.74 करोड़ जो फैमिली मेंबर्स को ये हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, हर साल जो हर फैमिली को यहां पे 5 लाख रुपए की यहां पे जो हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, तो इसका इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है पीएम जय। पीएम किसान योजना के तहत जो ये 3 हेक्टेयर का जो कल्टीवेबल लैंड है, तो वहां पे फार्मर्स को वो कौन से रेट पे पैसे दिए जाएंगे, तो यहां पे पहले एक कंडीशन रखा गया था कि फार्मर्स के पास मिनिमम 2 हेक्टेयर की यहां पे कल्टीवेबल लैंड होनी पड़ेगी, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया, जून में इसको हटा दिया गया, अभी फार्मर्स के पास यह पे कंडीशन नहीं है कि कोई भी इतनी लैंड यहां पे होनी पड़ेगी, तो इसको कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछा जा सकता है, तो यहां पे जो है जून में इसको रिमूव कर दिया था। अभी जो है 6,000 रुपया हर साल उनको मिलेंगे, और जो है यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेंगे, यानी कि हर 4 महीने में 2,000 करके मिलेंगे, तो इसको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो हर साल 6,000 रुपए मिलेंगे और 3 इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब हर 4 महीने में एक बार उनको पैसे उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगी, तो यहां पे 2,000 रुपया जो है हर 4 महीने में उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी, और इनमें से जो है टोटल 14.5 करोड़ जो फार्मर्स फैमिली है उनको यहां पे लाभान्वित होंगे। वो बंद दरवाजा कैंपेन पार्ट 2, ये स्वच्छ भारत मिशन का ग्रामीण मिशन का एक पार्ट है, तो इन्होंने किसके साथ एसोसिएशन करके इसको लॉन्च किया गया, तो ये बंद दरवाजा कैंपेन बेसिकली जो टॉयलेट यूज को प्रमोशन करने के लिए स्टार्ट किया गया था, तो इसका पार्ट 1, तो ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 स्टार्ट किया गया था 30 मई 2017 को, और ये जो है स्वच्छ भारत अभियान जो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को इसको स्टार्ट किया गया था, तो इसका ही एक पार्ट है, और इसको स्टार्ट किया गया वर्ल्ड बैंक के साथ, तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। कौन से कंट्री ने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019 में टॉप किया है, तो स्वीडन ने यहां पे टॉप किया है, और जिसमें भारत की रैंक जो है 11वीं, और स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम। कौन से स्टेट ने कृषक बंधु स्कीम
ये एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम है, इसको लॉन्च किया, तो इसको लॉन्च किया वेस्ट बंगाल। तो इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल। और कुछ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम है, जैसे कि रायतु बंधु स्कीम लॉन्च किया तेलंगाना गवर्नमेंट ने, रायतु भरोसा लॉन्च किया आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने, और कालिया स्कीम जो है, कालिया स्कीम ये लॉन्च किया गया उड़ीसा के गवर्नमेंट के द्वारा। ट्रेन 18 जो भारत की फास्टेस्ट ट्रेन है, तो वो दिल्ली से कौन से सिटी तक चली थी? तो ये जो है ये इंडिया की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसको वंदे भारत ट्रेन भी कहा जाता है, वंदे भारत एक्सप्रेस, और इसको स्टार्ट किया गया 23 फरवरी 2019। तो ये जो है दिल्ली से वाराणसी तक चलेगी, तो इसका सही आंसर है वाराणसी, और जिसकी हाईएस्ट स्पीड जो होगी 180 किलोमीटर पर आवर, वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली टू वाराणसी। अरुणिमा सिन्हा, इन्होंने रिसेंटली यानी जो जनवरी के महीने में माउंट विंजन इसको अचीव कर लिया। तो ये कौन से महादेश का जो हाईएस्ट पीक है? तो अरुणिमा सिन्हा ये क्या थी कि उनके जो दोनों ही पैर कट गए थे, तो उसके बाद उन्होंने आर्टिफिशियल लेग लगा के ये एक एज ए माउंटेनर के हिसाब से उन्होंने अचीव किया। तो ये पहले एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हुआ करती थी, और इन्होंने जो है माउंट विजन अंटार्कटिका का जो सबसे हाईएस्ट पीक है, याद रखेगा माउंट विजन अंटार्कटिका, तो इसका सही आंसर है अंटार्कटिका, इसको उन्होंने जय कर लिया। और इसके बावजूद भी उन्होंने एवरेस्ट है, एवरेस्ट जो दुनिया का हाईएस्ट पीक है, और उसके बाद साउथ अफ्रीका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, इंडोनेशिया, ऐसे ऐसे देशों के जो हाईएस्ट पीक्स है उसको भी उन्होंने अचीव कर लिया है। तो अरुणिमा सिन्हा माउंट विजन अंटार्कटिका। कौन से स्टेट ने प्राण रक्षा वेब एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो यहां पे आंध्र प्रदेश के उस टाइम के जो सीएम थे चंद्रबाबू नायडू, जो जनवरी के महीने में, तो वहां पे इन्होंने ये लॉन्च किया, ताकि यहाँ पे जो भी विक्टिम्स जो रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं उनके, तो उनको यहाँ पे देखा जाता है, और जो भी महिला स्ट्रेस में रहती है उनको यहाँ पे देखा जाता है। तो ये वेब एप्लीकेशन लॉन्च किया आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने। ट्रॉपिकल स्टॉर्म उस्मान, ये कौन से देश को यहां पे हिट किया था? तो यहां पे इसका सही आंसर जो है फिलीपींस। और कुछ स्टॉर्म के बारे में, जो टोर्नेडो होता है, साइक्लोन होता है, उसके बारे में भी याद रखिएगा। वेरोनिका स्टॉर्म आई थी कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में आई थी। फानी साइक्लोन आई थी बांग्लादेश में और ईस्ट इंडिया में। लिली साइक्लोन आई थी इंडोनेशिया में। वायु साइक्लोन, काफी ये नाम जनप्रिय है, ये आई थी, तो वायु साइक्लोन आई थी लक्षद्वीप और पाकिस्तान में। तो उस्मान साइक्लोन आई थी फिलीपींस में। कौन से जो भारतीय जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो वहां पे कौन से स्टेट के लिए एक सेंटर फॉर क्लासिकल लैंग्वेज की यहां पे प्रतिष्ठा की है? तो इसका सही आंसर जो है केरला। तो यहां पे क्लासिकल लैंग्वेज का सेंटर का यहां पे गठन किया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कौन से स्टेट के ऊपर 100 करोड़ का एक फाइन लगाया, जहां पे उस स्टेट में इलीगल कोल माइनिंग हो रही थी, जो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकती है पर्यावरण के विरुद्ध? तो वहां पे कौन सी स्टेट है? तो यहां पे जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मेघालय के ऊपर जो है 100 करोड़ का यहां पे फाइन लगाया है फॉर इलीगल कोल माइनिंग। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो चेयरमैन है उनका नाम है आदर्श कुमार गोयल। कौन से व्यक्ति पहले व्यक्ति बने जो फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के हिसाब से माने गए हैं? तो यहां पे जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो है विजय माल्या, जो अभी फरार है देश से, तो काफी सारे यहां पे पैसे उन्होंने उधार लेके मनी लॉन्ड्रिंग की केस की थी इलीगली कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के हिसाब से, तो उनको जो है फ्यूगेटिव इकोनॉमी ऑफेंडर्स एक्ट के तहत पहले व्यक्ति बने जिसको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में यहां पे एक्यूज किया गया। तो इसका सही आंसर है विजय माल्या। तो ये सारे जो लिस्ट आप देख सकते हैं, विजय माल्या, जतिन मेहता, ललित मोदी, नीरव मोदी, ये सब जो है ये सब ऑफेंडर्स है फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के तहत। कौन से स्टेट बोर्ड ने जो इरिगेशन एंड पावर सीबीआईपी उसके जो हिसाब से पोलावरम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का स्पीडी एग्जीक्यूशन के हिसाब से अवार्ड जीता है? तो यहां पे जो है आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने जो पोलावरम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, यह आंध्र प्रदेश के जो गोदावरी रिवर के जो साइड में बनाया जा रहा है, जो ईस्ट और गोदावरी, ईस्ट और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट को यहां पे फायदा पहुंचाएगी। तो इसका सही आंसर जो है आंध्र प्रदेश। तो ये जो पोलावरम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, तो इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया गया था,
कि यहां पे जो है जनवरी के महीने में वहां पे एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 32,000 क्यूबिक मीटर्स जो कंक्रीट वहां पे डाले गए थे। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था, तो वहां पे काफी स्पीड काम हो रही है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर के ओर से उन लोग को अवार्ड दिया गया पोलावरम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। पाकिस्तान ने रिसेंटली कौन से हिंदू रिलीजियस साइट को नेशनल हेरिटेज घोषित किया? तो यहां पे जो है पाकिस्तान का जो पंच तीर्थ है तो इसको घोषित किया गया, जो हजार साल पुरानी एक मंदिर है और पाकिस्तान में बहुत सारी जो मंदिर है अभी बंद हो चुकी है। और जो पंच तीर्थ का मीनिंग है पांच पुल जो है पानी के, तो इसका सही आंसर है पंच तीर्थ। कौन से स्टेट ने अटल सोलर कृषि पंप योजना की शुरुआत की है? तो यहां पे जो है महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो सोलर पंप जो है सब्सिडाइज रेट में जो फार्मर्स को देने की बात की है, तो अटल सोलर कृषि पंप योजना महाराष्ट्र। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो पारादीप हैदराबाद पाइपलाइन प्रोजेक्ट, तो ये कौन से स्टेट के लिए इसको लॉन्च किया? तो ये जो है टोटल 1212 किलोमीटर का एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट होगा जहां से जो है फ्यूल यहां पे सप्लाई किया जाएगा। और यहां पे जो है इसकी टोटल जो कॉस्ट होगी इसको बनाने के लिए 3800 करोड़ की कॉस्ट होगी। तो ये जो है इसको जोड़ेगी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो तीनों को जोड़ेगी। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। लोकसभा ने रिसेंटली एक पर्सनल लॉ अमेंडमेंट बिल को यहां पे अमेंड कर दिया, इसको राज्यसभा से भी पास कर दिया गया। तो ये जो है ये कौन से डिजीज को अभी डाइवोर्स के लिए ग्राउंड नहीं माना जाएगा, यानी कि इस डिजीज के वजह से डाइवोर्स अभी नहीं मिल सकती है, वो जो है लेप्रोसी, जो कुष्ठ रोग, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर कुष्ठ रोग हो गया तो उनके जो स्पाउस है उसके बेसिस पे डाइवोर्स यहां पे नहीं लिया जा सकता है। कौन से गवर्नमेंट ने जो यहां पे गवर्नमेंट ने यहां पे वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है इसको डिजीज इसको स्टार्ट किया है? तो ये कौन से स्कीम के अंदर ये है? तो यहां पे राष्ट्रीय आरोग्य निधि जो है यहां पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी जो भी यहां पे पेरेंट्स है जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, तो वहां पे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस जो है उनके लिए वहां पे वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। तो ये जो यहां पे स्कीम है राष्ट्रीय आरोग्य निधि सी। इंडोनेशिया की एक कंपनी जो एशियन पल्प एंड पेपर ग्रुप है वो दुनिया की सबसे बड़ी पेपर मिल स्टार्ट करने वाली है, तो ये कौन से स्टेट में स्टार्ट करेगी? तो यहां पे जो है आंध्र प्रदेश, तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में जो कुर्नूल जगह पे एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बन रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने यहां पे बोला है कि वहां पे 2020-2021 तक एक जो सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा, तो वहां पे कितने मेगावाट तक यहां पे जो है बिजली यहां पे उत्पादन किया जा सकता है? तो यहां पे बोला गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने 2020-2021 तक जो 1000 मेगावाट की यहां पे जो बिजली जो सोलर पावर प्लांट की यहां पे स्थापना करने की बात की है। तो हर साल जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है हर साल 18.2 बिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम करती है। 124वां अमेंडमेंट बिल जो इकोनॉमिक वीकर क्लास के लिए पारित हो गया राज्यसभा लोकसभा से, प्रेसिडेंट की भी एसेंट मिल गई, तो यहां पे जो इकोनॉमिकली वीकर क्लास को यहां पे कितने परसेंट का यहां पे कोटा सैंक्शन हुआ है? तो यहां पे जो है ये जो जनरल कैटेगरी के लिए सैंक्शन हुआ है जिसमें ये कंडीशन रखा गया है कि उनकी जो फैमिली इनकम जो हर साल 8 लाख रुपए से कम होनी पड़ेगी, तो यहां पे जो इकोनॉमिकली वीकर क्लास जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको ये मिलेगी 10% तक। तो इसके वजह से जनरल कैटेगरी के लोग जो इकोनॉमिकली वीकर क्लास है तो उनको जो है यहां पे एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स पे यहां पे प्रावधान कोटा यहां पे मिलेगी, तो 10% कोटा इकोनॉमिकली वीकर क्लास। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के जो चीफ इकोनॉमिस्ट है पहली महिला है, तो ये कौन है? तो ये जो है गीता गोपीनाथ, इंडियन ओरिजिन के है, तो इसका सही आंसर है गीता गोपीनाथ। और जो IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के जो चीफ है उनका नाम है क्रिस्टिना जॉर्जिएवा, और जो क्रिस्टीन लगार्ड है ये फॉर्मर थी, अभी ये नहीं रही, इनको ओवरटेक कर लिया क्रिस्टिना जॉर्जिएवा ने। और जो तुलसी गबार्ड है वो अमेरिकन पॉलिटिशियन है। ओशियन डायलॉग भारत और कौन से देश के बीच
आयोजित किया गया। तो ओशन डायलॉग जो है नॉर्वे के साथ आयोजित किया गया। तो जनवरी के महीने में जो नॉर्वे के प्रेसिडेंट है अर्ना सोलबर्ग, वो इंडिया आई हुई थी, तो काफी सारे यहाँ पे डील्स भी साइन किए गए। तो इंडिया जो यहाँ पे नॉर्वे में एक पहला आर्कटिक रिसर्च सेंटर जो है उसकी स्थापना करेगी, जिसकी नाम है हिमाद्री। याद रखिएगा, पहला भारत का यहाँ पे आर्कटिक रिसर्च सेंटर हिमाद्री। तो इसका ओशन डायलॉग स्टार्ट किया गया नॉर्वे के साथ। INS कोहसा, ये कौन से एरिया पे नई यहां पे कमीशन एयरबेस यहां पे गठन करेगी? तो यहां पे जो है इसका सही आंसर जो है पोर्ट ब्लेयर। तो ये पोर्ट ब्लेयर में INS का ये तीसरा जो है नेवल बेस होगा। तो जो यहां पे जो होगा ये INS, इससे पहले जो INS उत्कर्ष और INS बाज, ये पोर्ट ब्लेयर बेस्ड इसको सेटअप किया गया था। तो इसका सही आंसर है INS कोहसा पोर्ट ब्लेयर। कौन से गवर्नमेंट ने यह बोला है कि वहां पे एक होलोंगी एयरपोर्ट बनाया जाएगा? तो होलोंगी एयरपोर्ट कौन से स्टेट में बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहां पे ये एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगी होलोंगी अरुणाचल प्रदेश में, जो ईटानगर जो कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश से, उससे 14 किलोमीटर दूर में होगी। और याद रखिएगा, सिक्किम में जो सोवा एयरपोर्ट बनी थी इंडिया की, उसका नाम था पाकियोंग एयरपोर्ट। कौन सी पहली ट्रांसजेंडर महिला जो इंडियन महिला कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी चुनी गई है? तो यहां पे जो ये चुनी गई है अप्सरा रेड्डी, तो ये पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी। और जो शस्त्रा श्री शर्मिला, ये जो है पहली ट्रांसजेंडर लॉयर है। जोयिता मंडल जो है पहली ट्रांसजेंडर जज है नॉर्थ बंगाल लोक अदालत की। और प्रीतिका याशिनी, ये जो पहली पुलिस अब इंस्पेक्टर है। तो इसका सही आंसर जो है अप्सरा रेड्डी। कौन से यूनियन मिनिस्टर ने वेब वंडर ओमेन एक ऑनलाइन कैंपेन यहां पे लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। वेब वंडर वुमेन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। पीएम मोदी ने गंगाजल प्रोजेक्ट कौन से सिटी में इसको अनावरण किया गया? तो यहां पे जो है आगरा में इसकी काफी टाइम से डिमांड आ रही थी। तो यहां पे गंगा की जो साफ पानी है वहां पे जो है आगरा में यहां पे हर घर में पहुंचाने के लिए ये गंगा जल प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया। और इसकी टोटल जो कॉस्ट होगी 2,990 करोड़। तो इसका सही आंसर जो है आगरा, गंगा जल प्रोजेक्ट आगरा। वी आर डिस्प्लेस्ड, ये बुक के ऑथर कौन है? तो ये बुक के ऑथर है मलाला यूसुफ जाई। तो ये जो है पाकिस्तान की पीस एक्टिविस्ट है, जिनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। तब उनकी जो मलाला यूसुफ जाई पाकिस्तान की है, उनकी जो आयु थी ये थी 17 साल। तो वी आर डिस्प्लेस्ड मलाला यूसुफ जाई। इंडिया का लॉन्गेस्ट सिंगल लेन स्टील सस्पेंशन ब्रिज, ये कौन से स्टेट में इसको शुरुआत किया गया? तो ये जो है सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज, स्टील जो ब्रिज है कंप्लीटली स्टील से बनी हुई है, इसको स्टार्ट किया गया, इसको अनावरण किया गया अरुणाचल प्रदेश में। और इसकी टोटल जो कॉस्ट हुई थी 4,843 करोड़। तो इंडिया की पहली, ये इसकी जो लेंथ है 300 मीटर स्टील केबल लाइन सस्पेंशन ब्रिज अरुणाचल प्रदेश। इंडिया के चीफ डे मिशन टोक्यो ओलंपिक्स के लिए किनको चुना गया है? तो इनको चुना गया है, ये जो है वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। तो ये जो है इंडियन वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। तो चीफ डे मिशन टोक्यो ओलंपिक, वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर कौन से सिटी में इसको सेटअप किया है? तो ये जो है बेसिकली जो गगनयान प्रोजेक्ट है, जिसको 2021 में लॉन्च करने की बात की जा रही है, और जिसको लॉन्च किया जाएगा GSLV जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल 3 के द्वारा। तो ये जो इसको यहां पे इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, और इसके जो हेड है UUNNIKRISHNAN। तो इसको लॉन्च किया गया बेंगलुरु में, और इसरो के चीफ है डॉक्टर के चिवन। कौन से स्टेट ने यह बोला है कि CBI जो है अभी उनके स्टेट में एंटर करने से पहले वहां पे परमिशन लेनी पड़ेगी? तो यहां पे जो है छत्तीसगढ़, इसका सही आंसर जो है छत्तीसगढ़। तो ये इंडिया की तीसरी स्टेट बन गई है जहां पे यह बोला गया है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को वहां पे
उस स्टेट में एंटर करने से पहले, कुछ कार्रवाई करने से पहले उस स्टेट की यहां पे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इससे पहले दो स्टेट जो थे वो थे आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो यहां पे सीबीआई जो है इसकी स्थापना हुई थी 1963 में, और इसके जो चीफ है, इसको नए नए अपॉइंट किया गया है, उनका नाम है ऋषि कुमार शुक्ला। तो इस टाइम में नए नए अपॉइंट किया था, अभी तो काफी टाइम हो गया, जनवरी में इनको अपॉइंट किया गया था। सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल किनको अपॉइंट किया गया है? तो ये सशस्त्र सीमा बल जो है ये अपॉइंट किया गया है कुमार राजेश चंद्रा को, और जो सुरजीत सिंह जो है ये इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस के डीजी है, वी के जोहरी जो है बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के यहां पे डीजी है, और राजेश रजन जो डीजी है सीआईएसएफ के। तो इसका सही आंसर डीजीपी ऑफ एसएसबी कुमार राजेश चंद्रा। पहले फिलिप कॉटलर अवार्ड विजेता कौन बने? तो यहां पे पहले फिलिप कॉटलर अवार्ड विजेता जो है ये भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले फिलिप कॉटलर अवार्ड विजेता यहां पे बन गए हैं। रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया, तो उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है। तो इससे पहले जो रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया उसका जो नाम था, ये नाम अभी अलग होगा। तो उन्होंने जो नाम चेंज किया वो नाम कौन सी है यहां पे? तो यहां पे रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया ने अपना नाम चेंज कर लिया है रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया। तो ये रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया जो है ये नेटो जो है, नेटो का यहां पे 30वीं जो कंट्री बनी है नेटो का यहां पे इंक्लूड होने वाली। तो रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया को अभी रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया के नाम से जाना जाएगा, और इसके जो कैपिटल का नाम है सॉकजे। तो रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया अभी जाना जाएगी नॉर्थ मैसिडोनिया के नाम से। कौन से स्टेट ने वन फैमिली वन जॉब लॉन्च किया? तो ये वन फैमिली वन जॉब जो है ये मॉनिटर करेगी सिक्किम के कोई भी जितने भी फैमिली है उनको मॉनिटर करेगी, उनकी देखभाल करेगी, जहां पे देखा जाएगा कि फैमिली में किसी व्यक्ति को जो वहां पे गवर्नमेंट जॉब मिला है कि नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वन फैमिली वन जॉब लॉन्च किया है सिक्किम के गवर्नमेंट ने। तो यहां पे जो है सिक्किम के गवर्नमेंट ने जो भी यहां पे फार्मिंग और एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन थे उसको कैंसिल कर दिया। तो वन फैमिली वन जॉब सिक्किम। NSSO जो नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस, तो उन्होंने बोला है कि इंडिया की भारत की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये 45 साल में हाईएस्ट है। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? तो यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो यहां पे काम करने के लिए सक्षम है और वो जॉब ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति सपोज काम करने लगे सक्षम है और यहां पे जॉब उन लोग ढूंढ रहे हैं, उन लोग ने खुद से बिजनेस कर रहे हैं या वो पढ़ाई करे तो वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन वो अगर जॉब ढूंढ रहे हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही है तो माना जाएगा उसको अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है कितनी है? ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 6.1%। ये बोला गया है कि ये पिछले 45 साल में सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पूरे इंडिया की। तो ये अर्बन एरियाज में अगर देखा जाए तो अर्बन एरियाज में ये अनएम्प्लॉयमेंट है 7.8% और जो रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट है 5.3%। तो रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है इन कंपैरिजन टू अर्बन एरियाज। भारत की पहली पेडलर कौन बनी है जो दुनिया के जो 58 रैंकिंग के अंदर आ गए? तो पेडलर यहां पे किसको बोला जाता है? जो भी टेबल टेनिस के खिलाड़ी, तो यहां पे कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी को यहां पे पेडलर बोला जाता है, जैसे कि बैडमिंटन के जो खिलाड़ी होते हैं उनको शटलर बोला जाता है, तो याद रखिएगा। तो यहां पे भारत की जो मनिका बत्रा है इनकी रैंक 47, तो ये पहली भारतीय महिला बनी है इन टेबल टेनिस जो टॉप 50 वर्ल्ड रैंकिंग में आ गई है। तो मनिका बत्रा इसका सही आंसर है बी मनिका बत्रा। कौन से स्टेट भारत की पहली स्टेट बनी है जो प्राइस मॉनिटरिंग रिसर्च यूनिट की वहां पे स्थापना किया है? तो यहां पे प्राइस मॉनिटरिंग रिसर्च यूनिट ये क्या होती है? यहां पे जो एसेंशियल जो ड्रग्स और मेडिसिन होती है उनकी यहां पे प्राइसेस बढ़ी है कि नहीं उसको देखभाल किया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है। तो ये जो मूव है ये मूव इनिशिएट किया गया था नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा। तो प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट PMRU, इसका सही आंसर जो है केरला। याद रखिएगा प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट केरला। तो यहां पे हम लोगों ने डिटेल्स इसीलिए डिस्कस किया है कि यहां पे क्वेश्चंस तो बहुत है, तो यहां पे अगर आपको डिटेल्स भी मालूम होंगे और इसके जो आपके जो अगर कोई भी व्यक्ति के फोटो आप देखेंगे तो आप लोग के दिमाग यहां पे ज्यादा टाइम तक उसको रिटेन कर सकता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संगीत नाटक अकादमी 2017 का यहां पे अवार्ड किनको मिला है हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक कैटेगरी में, तो ये जो है ललित जे राव, तो ये उनका फोटो है। तो याद रखिएगा संगीत नाटक अकादमी 2017 हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक में ललित जे राव। कौन सी भारतीय महिला आईपीएस ऑफिसर ने साउथ पोल एक्सपेडिशन को यहां पे सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, तो इनका नाम जो है अपर्णा कुमार, ए अपर्णा कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के नए चीफ किनको चुना गया था, तो ये सब जो है जनवरी महीने के हैं, तो आप लोग याद रखिएगा इसको अपडेटेड मैंने करके लिया है, तो ये जो है जनवरी महीने का, तो ये पास्ट टेंस में जाएगा एक्चुअली, किया गया था, किया गया है नहीं, तो जो चीफ ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये जो चुना गया ऋषि कुमार शुक्ला, तो ये इन्होंने रिप्लेस किया आलोक वर्मा, आलोक वर्मा इससे पहले जो चीफ थे, और सीबीआई की प्रतिष्ठा हुई थी 1963 में और इसकी जो हेडक्वार्टर है दिल्ली, तो सीबीआई चीफ ऋषि कुमार शुक्ला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फादर फ्रांकोइस लबोर्डे, तो इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है, तो ये एक भारतीय है, तो ये भारत के कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उनकी यहां पे जो अनुदान है तो उसके लिए जो है यहां पे फ्रांस के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको ऑनर मिला है, तो ये बिलोंग करते हैं भारत के वेस्ट बंगाल से। कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया है, तो ये जो है एक्चुअली इससे पहले दुबई हुआ करती थी, अभी दुबई जो है ये पांचवें नंबर पे चली गई, तो इसको बेसिकली ये जो नंबर है ये जो इसको रिपोर्ट करती है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा, तो इसका सही आंसर जो है अटलांटा एयरपोर्ट, और सेकेंड रैंकिंग पे जो है चाइना का बीजिंग एयरपोर्ट, थर्ड लॉस एंजलस यूएसए, फोर्थ टोक्यो जापान, और जो फिफ्थ दुबई, दुबई इससे पहले जो है सेकेंड रैंकिंग पे थी, अभी वो पांचवें रैंकिंग पे चली गई। और भारत के जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, ये है दुनिया की 19वीं सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट, तो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है अटलांटा। पीएम मोदी ने सेला टनल प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में इसको अनावरण किया था, तो इसमें जो सेला टनल ये जो है इसको अरुणाचल प्रदेश में इसकी अनावरण की गई थी, जिसकी कुल लागत जो है 687 करोड़ रखा गया था, तो यहां पे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो दो यहां पे दो टोटल टनल्स होगी, टोटल यहां पे जो लेंथ होगी इसकी जो पहले टनल की 1790 किलोमीटर मीटर सॉरी और दूसरी टनल की 475 मीटर, तो यहां पे अरुणाचल प्रदेश की जो यहां पे जगह है दिरांग और तावांग, तो यहां पे इसकी जो यहां पे लेंथ जो है 10 किलोमीटर तक यहां पे कम हो जाएगी, इमीडिएट कनेक्टिविटी बन जाएगी, तो सेला टनल प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश। नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल ये गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसका अनावरण किया गया, तो यहां पे जो है डांडी, डांडी का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, डांडी मार्च, तो यहां पे जो डांडी है, डांडी एक विलेज है, तो ये विलेज आती है नवसारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, तो यहां पे 1930 में जो सत्याग्रह आंदोलन यहां पे स्टार्ट हुआ था, महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था यहां पे ब्रिटिश उपशासन के अगेंस्ट, तो यहां पे जो है साबरमती आश्रम जो दांडी से वहां से स्टार्ट हुआ था ये, और इसको अभी जो नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल स्टार्ट किया गया गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में, और जिसकी टोटल जो कॉस्ट होगी 89 करोड़। 2019 का काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल ये कौन से शहर में मनाया गया, तो यहां पे जो काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल ये जो है मुंबई में किया गया, तो इसका सही आंसर जो है मुंबई, तो यहां पे ये देश की सबसे बड़ी जो मल्टीकल्चरल फेस्टिवल है जो हर साल फरवरी में मनाया जाता है, तो काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल मुंबई। कौन सी कंट्री ने एशियन कप 2019 जीता, तो ये कतार ने जीता, तो कतार इसका सही आंसर है, तो कतार का ये पहला टाइटल है, तो उन्होंने जापान को यहां 3-1 से फाइनल में मात दी थी, और ये जो होस्ट किया था एशियन कप टूर्नामेंट, एशियन कप 2019 यूएई ने, और 2023 यानी कि 4 साल बाद इसको होस्ट करेगी चाइना। कौन से स्टेट ने मिलेट विलेज स्कीम यानी कि बाजरा स्कीम इसको लॉन्च किया, तो यहां पे जो है केरला के जो पक्कड़
यहां पे डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया, तो यहां पे जो भी किसान है जो बाजरा उत्पादन करते हैं यहां पे, तो वहां पे उन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। तो मिलेट विलेज स्कीम केरला। कौन से स्टेट ने इंडस वाटर डॉल्फिन को अपने देश अपने जो राज्य के एक्वाटिक एनिमल घोषित कर लिया गया है? तो यहां पे इंडस वाटर डॉल्फिन जो है इसको उस स्टेट का एक्वाटिक एनिमल घोषित कर लिया गया है पंजाब में, और पंजाब के जो स्टेट एनिमल है उसका नाम है ब्लैक बग, जो एक हिरन है, डियर है, और जो स्टेट बर्ड है पंजाब का वो है बाज। स्मृति ईरानी जी ने इंडिया साइज प्रोजेक्ट ये कौन से शहर में लॉन्च किया था? तो उस टाइम स्मृति ईरानी जो है भारत के यहां पे टेक्सटाइल्स मिनिस्टर हुआ करती थी, अभी जो यूनियन चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, तो उस टाइम में वो जब टेक्सटाइल मिनिस्टर हुआ करती थी तब वहां पे मुंबई में इसकी अनावरण की थी वहां पे, तो इसको लॉन्च किया गया था। तो ये बेसिकली इंडिया साइज प्रोजेक्ट क्या होता है, जैसे कि यूके और यूएसए के खुद के यहां पे अलग अलग साइज होते हैं, तो ये एक इंडिया की अपनी खुद की साइज यहां पे डिक्लेयर किया गया, तो इंडिया साइज प्रोजेक्ट इसको स्टार्ट किया गया मुंबई में। कौन से स्टेट ने यह बोला कि जो वर्जिनिटी टेस्ट होती है तो ये एक सेक्सुअल एशॉल्ट माना जाएगा? तो इसको महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर किया गया, तो सेक्सुअल एशॉल्ट जो है वर्जिनिटी टेस्ट महाराष्ट्र। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल ये कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया? तो यहां पे राजीव गांधी कैरियर पोर्टल ये जो है भारत में पहली बार स्टार्ट किया गया राजस्थान में, तो इसका सही आंसर है राजस्थान। तो यहां पे जो है यहां पे जो भी इस कैरियर पोर्टल में स्टूडेंट्स को यहां पे गाइड किया जाएगा जॉब से रिलेटेड इशू या कैरियर रिलेटेड इशू में इनको गाइड किया जाएगा, और राजस्थान के जो सीएम है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्रा। तो आर फॉर राजीव गांधी एंड आर फॉर राजस्थान, इसी तरह आप इसको याद रख सकते हैं। कौन से पुलिस डिपार्टमेंट ने डीजीकॉप एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? डीजीकॉप, तो यहां पे इस डीजीकॉप के ऐप के जरिए कोई भी अगर मोबाइल आपकी चोरी हो गई या गाड़ी की चोरी हो गई तो उसको आप यहां पे इंफॉर्म कर सकते हैं पुलिस को, और इसको यहां पे ट्रैक किया जा सकता है। तो डीजीकॉप को लॉन्च किया गया चेन्नई पुलिस के द्वारा, तो इसका सही आंसर है चेन्नई। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक क्या है? तो यहां पे जो है इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स क्या होता है, यहां पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर कॉपीराइट प्रोटेक्शन जिसको यहां पे रिलीज करती है यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा, तो इसमें भारत की जो रैंकिंग है 36। तो यहां पे ये देखा जाता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कॉपीराइट प्रोटेक्शन कैसी है उस देश में, तो इसमें टॉप क्या है स्विट्जरलैंड, और उसके बाद स्वीडन, और थर्ड रैंकिंग पे है यूएसए, इसमें भारत की रैंक है 36। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2019 36, और कुछ दिनों के बाद अगर इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2020 बनेगी तो आप लोग उसके हिसाब से इसको अपडेट करना पड़ेगा। कौन से यूनियन मिनिस्ट्री ने ई कुकुन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये ई कुकुन मोबाइल ऐप जो है यहां पे जो सिल्क वर्म है उसकी जो यहां पे सीट के जो सीट सेक्टर के वहां पे क्वालिटी सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, तो इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने। कौन सी कंट्री नेटो के 30वीं मेंबर बनी है? ऑलरेडी कुछ टाइम पहले इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहां पे जो नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो स्थापना की गई थी 1949 में, और इसके जो हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स बेल्जियम में। तो यहां पे जो है मैसिडोनिया 30वीं मेंबर बनी है नाटो का मिलिट्री अलायंसेस का, और तो इसका सही आंसर है बी मैसिडोनिया। और यहां पे नाटो के जो यहां पे सेक्रेटरी जनरल है वो है जेंस स्टॉल्टनबर्ग। कौन सी वॉरशिप जो है इंडियन नेवी के, उन्होंने एक मल्टीनेशनल मैरिटाइम एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस 2019 में पार्टिसिपेट किया? तो यहां पे ये क्या होती है, ये एक जो मल्टीनेशनल जो नेवल एक्सरसाइज है जिसको स्पॉन्सर किया गया था यूएस अफ्रीका कमांड के द्वारा, और जिस जो आयोजित किया गया था जिबोटी, मोजाम्बिक और सेशल्स में। तो यहां पे 15 अलग अलग कंट्रीज जो है वहां पे पार्टिसिपेट किया था, तो इंडिया की ओर से रिप्रेजेंट किया गया था INS त्रिकंड। तो इसका सही आंसर है INS त्रिकंड, कटलस एक्सप्रेस 2019 INS त्रिकंड। तो INS त्रिकंड ये आप देख सकते हैं, इसकी जो कमीशन की गई थी जून 2013 में। पीएम मोदी ने महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिका का एक यहां पे उनकी एक प्रतिमा का उसका अनावरण किया, तो ये कौन से स्टेट के लास्ट
किंग या लास्ट रूलर रहा करते थे। तो यहां पे जो है इसका सही आंसर जो है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के लास्ट जो रूलर है महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य, उनका एक यहां पे स्टैच्यू का अनावरण किया गया और उनके नाम पे अगरतला एयरपोर्ट का जो नाम है उनका नाम है अगरतला एयरपोर्ट का महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। और त्रिपुरा के सीएम का नाम है बिप्लब कुमार देव और त्रिपुरा के गवर्नर है रमेश बायस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रॉबर्ट बोश सेंटर फॉर डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कौन से आईआईटी के साथ इनोग्रेट किया गया। तो यहां पे जो है अलग अलग लर्निंग होती है, जैसे कि डीप लर्निंग, रेनफोर्समेंट है, लर्निंग है, नेटवर्क एनालिसिस है, इसको यहां पे स्टडी किया जाएगा। तो यहां पे रॉबर्ट बोश सेंटर फॉर डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको इनोग्रेट किया गया आईआईटी मद्रास के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन से स्टेट ने ट्राइबल कमीशन बिल 2019 को अप्रूव कर लिया। तो यहां पे जो है ट्राइबल कमीशन जो है झारखंड के गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया गया। तो यहां पे बोला गया है कि यहां पे जो ट्राइबल कमीशन जो है झारखंड में, वहां पे जो भी पोस्ट जो है चेयरमैन हो और वहां के मेंबर्स जो है एसटी कम्युनिटी के लिए वहां पे रिजर्व रखा जाएगा। तो इसका सही आंसर है झारखंड। इंडिया का पहला एडवांस वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ये कौन से स्टेट में इनोग्रेट किया गया। तो यहां पे जो है वायरोलॉजी मींस जो वायरस होती है उसकी यहां पे स्टडी की जाएगी। तो इसको स्टार्ट किया गया केरला के तिरुवनंतपुरम। तो इसका सही आंसर है केरला। 72वीं बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसमें मिला। तो यहां पर बाफ्टा का जो फुल फॉर्म है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड, तो ये ब्रिटिश अवार्ड है। इसमें जो बेस्ट मूवी है ये मूवी बनी रोमा, याद रखिए बेस्ट मूवी रोमा और बेस्ट ब्रिटिश मूवी। तो बेस्ट ब्रिटिश मूवी बनी है द फेवरेट। और यहां पे जो बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट एक्टर मिला रामी मलिक और बेस्ट एक्ट्रेस मिला ओलिविया कॉलमैन। तो कुछ भी आपको यहां से पूछा जा सकता है, याद रखने आपको। अबू धाबी जुडिशियल डिविजन ने कौन से भाषा को अपने देश के यहां पर तीसरी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया है जो कोर्ट में यूज किया जा सकता है। तो अभी अबू धाबी में अभी जो है हिंदी कोर्ट में यूज किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर जो है हिंदी। पीएम मोदी ने कौन से सिटी में नॉर्थ ईस्ट ग्रैस ग्रिड इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। तो यहां पे जो है ये एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जिसकी जो लेंथ जिसकी टोटल लेंथ जो होगी यहां पे 1656 किलोमीटर होगी। तो यहां पे जो है इसकी टोटल जो कॉस्ट होगी यहां पे 5400 करोड़। तो यहां पे क्या होगा, ये पाइपलाइन गैस ग्रिड प्रोजेक्ट है जो यहां पे गुवाहाटी के साथ ईटानगर, दीमापुर, कोहिमा नागालैंड में जो है नागालैंड की कैपिटल, इम्फॉल, आइजवाल, शिलोंग, गैंगटॉक, नुमोलीगढ़, ये जो है यहां पे इसको जोड़ेगी। तो यहां से है जो गैस को यहां पे सप्लाई किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर जो है नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड गुवाहाटी। टेलीविजन जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का तीसरा कैंपस ये कौन से स्टेट में स्टार्ट होगा। तो यहां पे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का पहला दो ऑलरेडी जो सेंटर है, पहला सेंटर जो है 1960 में पुणे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया गया था पुणे में। दूसरा जो स्टार्ट किया गया था 1995 में कोलकाता, जिसको जानते हैं हम सत्यजीत रॉय फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट। और ये तीसरा स्टार्ट किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में डीडी चैनल ने एक अपना चैनल निकाला है जिसका नाम है डीडी अरुणा प्रभा। तो थर्ड कैंपस फॉर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट अरुणाचल प्रदेश। हिमालयन क्लाउड ऑब्जर्वेटरी ये कौन से स्टेट में सेटअप किया गया। तो यहां पे जो है क्लाउड के एक्टिविटीज को यहां पे देखा जाएगा। तो ये भारत की दूसरी क्लाउड ऑब्जर्वेटरी है जिसको स्टार्ट किया गया तेहरी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के सीएम के नाम मुझे आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है। और तो ये जो इंडिया की दूसरी क्लाउड ऑब्जर्वेटरी है, पहली क्लाउड ऑब्जर्वेटरी है मुन्नर केरला में। कौन से इंडियन हिस्टोरियन को इसराइल का जो डैन डेविड प्राइज 2019 से नवाजा गया। तो यहां पे संजय सुब्रमण्यम जो है उनके जो यहां पे अनुदान जो है इंटरकल्चरल एनकाउंटर्स, उनके लिए ये प्राइज मिला है। तो इनका सही जो आंसर है संजय सुब्रमण्यम। तो ये के सुब्रमण्यम के बेटे हैं और इनको ये जो $1 million यहां पे धनराशि मिली है, डैन डेविड प्राइज 2019 संजय सुब्रमण्यम। मेघालय कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया गया है वहां के जो डिकी बंडी स्टेडियम है
ये अभी उनका नाम चेंज कर दिया जाएगा, तो ये किन के नाम पे चेंज किया जाएगा? तो यहां पे जो है पूर्व लोकसभा स्पीकर जो है जो मेघालय से बिलोंग करते हैं, जो पी के पी ए सांगमा जो है, उनको यहां पे उनके नाम पे अभी दिकेवंडी स्टेडियम का नाम चेंज कर दिया जाएगा। तो ये पूर्व लोकसभा स्पीकर थे 1996 से लेकर 1998 तक, मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर थे 1988 से लेकर 1990 तक, और ये जो अभी कोनार्ड सांगमा जो प्रेजेंट सीएम है मेघालय के, उनके पिता है और मेघालय के गवर्नर है तथागत रॉय। तो डिकी बंडर स्टेडियम का नाम अभी चेंज होकर पीए सांगमा स्टेडियम बन जाएगी। कौन से सॉन्ग को 2019 ग्रैमी अवार्ड में सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड मिला? तो ये जो है अवार्ड मिला दिस इज अमेरिका, इस गाने को, और इसको गाया था चार्लिस गैम्बिनो ने। तो दिस इज अमेरिका 2019 ग्रैमी अवार्ड सॉन्ग ऑफ द ईयर। दीपा मेहता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है कौन से देश के जो एकेडमी ऑफ सिनेमा टेलीविजन के द्वारा? तो यहां पे जो दीपा मेहता बहुत ही प्रख्यात डायरेक्टर है, काफी सारी हिंदी मूवी उन्होंने डायरेक्ट किया था जैसे कि फायर, अर्थ, वाटर। तो उनको जो है कनाडा के जो सिनेमा एंड टेलीविजन एकेडमी ऑफ सिनेमा एंड टेलीविजन के द्वारा उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको मिला है। तो इसका सही आंसर जो है कनाडा, तो कनाडा दीपा मेहता। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना ये कौन से स्टेट ने इसको लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया गया बिहार, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार। नए इलेक्शन कमिश्नर किनको अपॉइंट किया? तो यहां पे एक चीज याद रखेगा, एक तो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो यहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है यह है सुनील अरोड़ा, और दो इलेक्शन कमिश्नर, एक तो है अशोक लावाशा और ये जो चुने गए हैं ये है यहां पे सुशील चंद्र। तो यहां पे तीन मेंबर का एक पैनल होती है, इनमें कंफ्यूज नहीं होनी है। तो यहां पे सुशील चंद्र को चुना गया है इलेक्शन कमिश्नर, और जो है ये इससे पहले जो है सीबीडीटी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस उसके चेयरमैन हुआ करते थे, अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन बनेंगे प्रमोद चंद्र मोदी। और ऑलरेडी जैसे कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा, अशोक लवासा दूसरे इलेक्शन कमिश्नर, और दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर है सुशील चंद्र। तो सारे यहां पे आपको याद रखनी है। कौन से एनिमल को 2022 का जो नेशनल गेम्स होने वाले हैं उसको मस्कॉट के लिए चुना गया है, यानी कि जो शुभंकर उसके लिए चुना गया है? तो यहां पे जो है 2022 का जो नेशनल गेम्स खेला जाएगा ये खेला जाएगा मेघालय में, तो उसके लिए क्लाउडेड ड्यूपोर्ट को यहां पे चुना गया है। अनडॉन्टेड ये बुक किन्होंने लिखी? तो ये बुक लिखी है पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के द्वारा। कुसुम स्कीम ये कौन से यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? तो कुसुम का यहां पे फुल फॉर्म है कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान। तो यहां पे जो भी फार्मर्स है उनको यहां पे 2 मेगावाट की जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी यहां पे उसके लिए ग्रिड के साथ यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसको लॉन्च किया गया न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के द्वारा। अमा घोड़े लीड स्कीम ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? तो अमा घोड़े लीड स्कीम का मीनिंग है हमारे घर में लीड एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड जो बल्ब होती है यहां पे, तो यहां पे उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये बोला गया है कि 95 लाख जो फैमिली है वहां पे जो है वहां पे हर फैमिली को 4 एलईडी बल्ब यहां पे मिलेगी। तो इसका सही आंसर जो है उड़ीसा। तो उड़ीसा में और एक जो स्कीम निकाला था कालिया कृषक असिस्टेंट फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। भारत की लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज ये कौन से स्टेट में सेटअप किया गया? तो यहां पे आसाम में जो है ये भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, जिसकी टोटल लेंथ जो है 4.98 किलोमीटर, और तो ये जो ब्रिज है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, और ये जो है डिब्रूगढ़ को धेमाजी के साथ यहां पे जोड़ेगी। तो ये भारत की लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज, याद रखिएगा इसमें रेल और बस गाड़ी दोनों जा सकती है। और अगर पूछे कि भारत की लॉन्गेस्ट जो ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सी है, तो वो है भूपेन हजारिका सेतु, वो भी असम में ही है। तो इसका सही आंसर है असम। चांद के अदर साइड ऑफ द मून जो हम लोग बोलते हैं, तो वहां पे कौन से कंट्री ने अपने यहां पे लूनर प्रोब को भेजा? तो यहां पे चाइना ने, यहां पे चैंग फोर, याद रखिएगा चैंग फोर चाइना ने भेजा अदर साइड ऑफ द मून, यानी कि मून के जो हिस्सा लैंड रॉक रहती है अर्थ के साइड, उस साइड में चाइना ने उसको उतारा था।
और उसका जो रोवर था यानी कि जो वहां पे चलती है उसका रोवर का नाम है U22, तो इसको भेजा था चाइना ने। तो इसमें हम लोगों ने टोटल आप देख सकते हैं टोटल यहां पे 100 क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पे एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस किया, और उसके साथ अगर जितने भी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स को मिलाएंगे तो ये 400 से ज्यादा इंफॉर्मेशन यहां पे डिस्कस किए हैं। तो बहुत ही जल्दी ये पार्ट वन हम लोगों ने खत्म कर लिया, बहुत ही जल्दी पार्ट टू भी आएगा, तो आप लोग डेफिनेटली यहां पे काफी आपको चीजें सीखने को मिलेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग उसको उतना ही प्यार देंगे जितना प्यार आप लोग दूसरे चैनल हमारे जो अदर प्रोग्राम्स को भी देते हैं स्टडी राइज के। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का यहाँ पे जो भी सपोर्ट हम लोग को बहुत मोटिवेट करता है और भी हार्डवर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।